कृषि एवं किसान कल्याण संबंधी अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए किसान के बेटे को किसान की बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, मैं आंकड़ों में बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे बहुत से सारे साथी बजट के आंकड़ों को प्रस्तुत कर चुके हैं, उन्हीं बातों को दोहरा करके ज़्यादा समय नहीं लूंगा। मोटी मोटी बातें करके दो चार सुझाव देकर के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, इसलिए हमको कृपया बात पूरी कर लेने दीजिएगा। कृषि को हमारे समाज में प्राचीन काल से सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और इसीलिए कहावत भी थी, उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान। लेकिन कालांतर में हमारे सरकारों की नीतियों की कमियां थी जिसकी वजह से आज खेती घाटे का सौदा बन करके रह गई है। किसान जो हमारा अन्नदाता है, आज किसान के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। किसान के नाम पर वोट लेकर के तमाम सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी ने किसान की सुध लेने का काम नहीं किया। पहली बार हमारी केंद्र की सरकार ने, क्योंकि हमारी केंद्र की सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे कृषि मंत्री जी का मानना है कि जब तक कि हमारा देश भारतवर्ष गांवों का देश है, किसानों का देश है, और जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हमारा गांव समृद्ध नहीं हो सकता, और जब तक हम गांव को समृद्ध नहीं कर सकते हैं तब तक भारतवर्ष को समृद्धशाली बनाने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहली बार हमारी केंद्र की सरकार जो इस बजट के पहले 2016-17 का जो बजट लेकर के आई थी उसमें विशुद्ध रूप से गाँव के लिए, किसानों के लिए, उसमें ऐसी योजनाएँ बनाई गई हैं जिससे किसानों को इस बदहाली से उबारने का काम किया गया है। और इस बार का जो 2016-17 का बजट है, 2017-18 के बजट में 16-17 के प्रावधानों को अमली जामा पहनाने का काम किया गया है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी पार्टी नहीं कह रही है, बल्कि विश्व के, दुनिया के जितने जाने माने अर्थशास्त्री हैं वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पहली बार भारत की सरकार एक ऐसा बजट लेकर के आई है जो विशुद्ध रूप से गाँव के लिए, किसानों के लिए केंद्रित है। आज अगर हम खेती की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है मिट्टी की। हमारे किसानों के पास उपजाऊ जमीन है, लेकिन मिट्टी के किस्म की जानकारी के अभाव में हमारे किसान उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से खेतों की उर्वरा शक्ति भी दिनों दिन कम होती जा रही है और उपज भी घटती जा। प्लीज मैम, प्लीज, हमारी सरकार पहली बार एक ऐसी योजना लेकर के आई है कि हर देश के हर किसान को हर खेत के मिट्टी की जांच होगी, हर किसान को सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें विस्तार से अंकित होगा कि आपके खेत में किस तरह के पोषक तत्वों की कमी है, किस तरह के उर्वरकों की आवश्यकता है। इस तरह से उर्वरकों का संतुलित उपयोग करके हमारा किसान कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकता है। इसी तरह अगर हम उर्वरक की बात करें तो आज के 2 साल पहले हमारे देश में जो स्थितियां थी, जब बुआई का सीजन आता था मार्केट से डीएपी गायब हो जाती थी, टापरेसिंग के समय यूरिया गायब हो जाया करती थी, उर्वरक प्राप्त करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी, पुलिस लाठियां बाजती थी, लाठी काट करके हमारा किसान महंगे दामों पर उर्वरक प्राप्त किया करता था।